हमारी हुआ करती थी जिसका नाम था रत्नावती। एक व्यक्ति रहता था सिंधु सेवड़ा, जो कि एक तांत्रिक था। पहाड़ी पर जहाँ निवास करता था वह भयानक तांत्रिक, वह विशाल पत्थर भी उस तांत्रिक की ओर खिंचा हुआ चल देता है कि यहाँ के इस परिक्षेत्र से कोई भी आत्माएं कभी भी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है भूतों का घर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे अनूठी जगह पर जिसका नाम सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों यह स्थान है राजस्थान का एक ऐतिहासिक स्थान जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ वह स्थान जिसको कहा जाता है भूतों का घर। चलिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो पे, आपको दिखाते हैं भूतों का घर भानगढ़। मुख्य द्वार को प्रवेश करते हुए हम भानगढ़ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश करते ही मेरी दाई ओर स्थित है भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर। इस भूताहू जगह पर भी यह मंदिर उस समय से बना हुआ है। यहाँ भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर ही पास में टिकट के लिए टिकट विंडो भी बनाई गई है, जहाँ से टिकट लेकर के आप भानगढ़ के इस दुर्ग को देख सकते हैं। तो दोस्तों टिकट हमने ले लिया है, अब प्रवेश करते हैं भानगढ़ के दुर्ग को देखने के लिए। हम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ बढ़ने के बाद इसी परिसर में एक नक्शा बनाया हुआ है। इस भानगढ़ के बारे में यहाँ डिटेल से जानकारी दी गई है, नक्शे को गौर से देखिए। इस नक्शे पर इस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक जगह का विवरण दिया गया है कि कौन सा स्थान किस जगह पर बना हुआ है। यहाँ बताया गया, अभी हमने जो प्रवेश किया था वह हनुमान गेट था। यह जो चार दीवारी है इस पे पांच गेट हैं, जिसमें लाहौरी गेट है, अजमेरी गेट है, हनुमान गेट है, फुलवारी गेट है और दिल्ली गेट है। ऐसे पांच गेट इस भानगढ़ के परिक्षेत्र में स्थित हैं। साथ में दोस्तों जब आप वहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अनेक स्थान देखने को मिलेंगे जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। यह जो क्षेत्र है ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और इस क्षेत्र का रखरखाव उसके द्वारा किया जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ स्लोगन भी लगाए गए हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और भानगढ़ में क्या क्या स्थान है उनको देखते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। बनी हुई इस पक्की सड़क पर चलता हुआ मैं पहुंच चुका हूं भानगढ़ के उस बाजार में जिसको कहा जाता है जोहरी बाजार। दोस्तों आपने जोहरी बाजार का नाम तो सुना होगा जो जयपुर में स्थित है। ऐसा ही बाजार जो आज के समय में जयपुर में लगता है, लगा करता था भानगढ़ में। यहां मिलती थी प्रत्येक वह वस्तु जो जयपुर के जोहरी बाजार में आधुनिक समय में मिलती है। यहाँ लगातार आप देख रहे होंगे ये जो दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ एक बहुत ही सुंदर मार्केट उस समय में लगा करता था। यहाँ पर चीज़ें मिलती थी, प्रत्येक घर में जो काम में आती है वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती थी। साथ में दोस्तों सौंदर्य प्रशासन के साधन भी इस स्थान पर मिला करते थे। आप यूँ कहें कि आज भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगता है बाजार। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि उस समय में यहाँ जो बाजार लगता था, आज रात्रिकालीन समय में भी यहाँ पर ऐसा ही बाजार सजता है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि भानगढ़ में आज भी रात को यहाँ बाजार सजते हैं, यहाँ वस्तुएं बिक्री की जाती हैं। यहाँ पर इस प्रकार की जो सारी सामान की व्यवस्थाएं हैं, रात को यहाँ लगी जाता है बाजार। ऐसा कहते हैं यहाँ जो रहने वाले भूत हैं वो बाजार को लगाते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ भानगढ़ में स्थित यहाँ का जो शासक हुआ करता था माधो सिंह, उसकी हवेली की ओर। देखिए आपको दूर से एक खंडर नुमा भवन दिखाई दे रहा है, यह है माधो सिंह की हवेली। आइए दोस्तों चलते हैं और निहारते हैं इस हवेली को और देखते हैं कि उस समय में कैसी भव्य ये हवेली हुआ करती होगी।
पहुंच चुके हैं माधो सिंह की हवेली के बिल्कुल नजदीक और मैं प्रवेश कर रहा हूं माधो सिंह की हवेली में। दोस्तों निहारिए कितनी सुंदर ये हवेली उस समय हुआ करती होगी। अभी जो खंडर अवशेष यहां बचे हुए हैं किस प्रकार के मनमोहक ये खंडर हैं। दो मंजिला ये हवेली हुआ करती थी। दोस्तों निहारिए यह जो सामने का फ्रंट है इसकी छतें नहीं है। हालांकि ये जो भानगढ़ है यहाँ एक श्राप लगा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में कि यहाँ क्यों छत नहीं होती भवनों पे। परंतु अभी इस हवेली को हम देखेंगे। यहाँ माधो सिंह का ये रिहायशी भवन हुआ करता था जहाँ माधो सिंह अपने परिवारजनों के साथ इस हवेली में निवास किया करता था। यह जो हवेली है रहने के लिए और भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उस समय बनाई गई थी। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। आधुनिक समय में जिस प्रकार से अपने भवनों में सीढ़ियाँ होती हैं इस प्रकार की सीढ़ियाँ इस भवन में लगी हुई है। और दोस्तों बहुत ही सुंदर और लंबा चौड़ा यह भवन है जो कि माधो सिंह की हवेली के नाम से जाना जाता है। सामने दोस्तों माधो सिंह का एक दूसरा भी हवेली बना हुआ है जो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। आपने अभी ये हवेली देख ली है और इसी हवेली के नजदीक इसी हवेली का दूसरा भाग मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर अनेक प्रकार की मेहमान नवाजी के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। हालांकि यह जो स्थान है अब खंडर हो चुका है परंतु भवनों के रूप में कमरे यहां आज भी अवस्थित हैं जहां पर मेहमान नवाजी की जाती थी। राजा महाराजाओं के जो रिश्तेदार आदि लोग आते थे उनके लिए इसी भवन के पास ये दूसरा भवन बनाया गया था जिसे आप निहार सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति में इस भवन का निर्माण किया गया था। तो अभी मैंने आपको माधो सिंह की हवेलियाँ दिखाई है। माधो सिंह की हवेली के सामने एक छोटी हवेली और है परंतु बड़ी सुंदर ये हवेली है। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटी सी यह हवेली है बहुत ही सुंदर। और दोस्तों इस हवेली में एक विशेष प्रकार का सीन हमें देखने को मिल रहा है। क्या छोटे छोटे यहाँ कमरे बने हुए हैं। साथ में दोस्तों जब आप इस हवेली को अंदर से निहारेंगे तो इसकी जो छतें हैं वो बिना पट्टियों की छतें हैं केवल इसी दीवारों के द्वारा निर्मित की गई हैं। तो अभी हम ऊपर चढ़ने वाले हैं। छोटी छोटी ये सीढ़ियाँ बनी हुई है इन सीढ़ियों को चढ़ करके हम इस जो हवेली है उसको ऊपर से भी निहारने वाले हैं। आइए दोस्तों मेरे साथ और चलते हैं हम ऊपर और देखते हैं इन हवेलियों। आपने देखी माधो सिंह की हवेली और मैं आपको एक ऐसा स्थान भी दिखाने वाला हूं कि आप शायद सोचेंगे कि उस समय में इस प्रकार का भी स्थान हुआ करता था। माधो सिंह की हवेली के बिल्कुल नदी की स्थित है एक बिल्कुल पत्थरों से और दीवारों से निर्मित कुआं, यानी कि जमीन के अंदर भी पूर्ण रूप से इस किले का निर्माण किया गया है। पत्थरों से इसको बनाया गया था। उस समय जो जल की व्यवस्था थी वो इस कुएं से इस जो हवेली है उसके लिए इस कुएं के पानी का उपयोग किया जाता था। देखिए बहुत ही गहरा कुआं है ये है और यह स्थित है माधो सिंह की हवेली के बाईं ओर जहां से माधो सिंह की हवेली में जल व्यवस्था का कार्य किया जाता था। मैं स्थित हूं भानगढ़ के जौहरी बाजार में और मैं आपको दिखा रहा हूं भानगढ़ का यह बहुत ही सुंदर जौहरी बाजार जो रोड के सारे सारे भव्य दुकानों के रूप में स्थित है। दोस्तों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक दुकान की तरफ। यह एक विशाल दुकान है जिसमें तीन पार्टीशन बने हुए हैं। एक दुकान के बाद छोटा गेट होने के बाद अंदर दो दुकानें और स्थित है। साथ में दोस्तों ऐसा लगता है कि ये दुकानें उस समय में दो मंजिल की हुआ करती होगी जैसे आधुनिक दुकानें होती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ करके शायद ऊपर भी सामान रखा जाता था। उस समय में इतनी विशाल दुकानें होना एक
एक भव्य बाजार को प्रदर्शित करता है। ऐसा लगता है कि भानगढ़ में उस समय सर्वोत्तम यानी उत्तम बाजार लगता होगा, जहां दुनिया भर की अनेक चीजों का बाजार इस स्थान पर लगता होगा। इन दुकानों को देख करके तो ऐसा ही लगता है दोस्तों, कितनी विशाल और क्रमवाही ये दुकानें बनी हुई हैं। दोस्तों निहारिए, ये सब दुकानें हैं, मकान नहीं हैं, ये इस रोड के सारे सारे अनेकों अनेक दुकानें बनी हुई हैं, जहां लगता था जौहरी बाजार। आधुनिक समय में जयपुर का जो विशाल बाजार जौहरी बाजार है, इसी रूपरेखा पर बना हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि जयपुर जो शहर बसा है वो इस भानगढ़ की तर्ज पर ही बसाया गया था। यहाँ ये जो लंबी दुकानें हैं, जयपुर में भी जौहरी बाजार में इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ दुर्ग है उसके मुख्य द्वार पर। यहां से बिल्कुल नजदीक ही यह भानगढ़ का दुर्ग स्थित है। यह जो भानगढ़ है, जिसको यदा कदा कहा जाता है भूतों का भानगढ़, इस स्थान पर मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि बहुत लंबे समय पहले यानी 300-400 वर्षों पूर्व एक समृद्ध राज्य यहाँ हुआ करता था। लेकिन ऐसा एक समृद्ध राज्य जहाँ पर जनता एक साथ रहती थी, जहाँ समृद्ध बाजार पाए जाते थे, जहाँ लोग खुशहाली से रहते थे और संपूर्ण राज्य एक परी क्षेत्र में सम्मिलित था। परंतु उस क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ कि आज वह खंडरों में तब्दील हो चुका है। दोस्तों यह जो राज्य क्षेत्र हुआ करता था, एक कुशाल क्षेत्र था, क्या कारण रहे होंगे, किन वजहों से यह जो क्षेत्र है खंडरों में तब्दील हो गया और वर्तमान में क्यों कहा जाता है कि यह भूतों का भानगढ़ है, तो दोस्तों इन सब कारणों को जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और आपको भी लेकर के चलेंगे उस स्थान पर जहाँ खंडर पाए जाते हैं। साथ में ही दोस्तों यह जो स्थान है जहाँ अनेकों महल थे, मंदिर थे और अनेकों प्रकार के यहाँ स्थान स्थित थे, तो उन सब का किस प्रकार से इस तरीके से यहाँ पर विनाश होना किन कारणों को इंगित करता है, क्या यहाँ पर उन्हीं कारणों से डरावना यह स्थान बन गया जिस वजह से इसको भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। यहाँ मूवी भी बनाई गई, करण अर्जुन मूवी का सीन भी यहाँ इस स्थान पर दर्शाया गया था। क्या ऐसा विशेष इस स्थान पर है जिसकी वजह से यहाँ पर करण अर्जुन मूवी की शूटिंग भी हुई थी? दोस्तों इन सब बातों को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा भानगढ़ के इस गेट से प्रवेश करके और उस महल की ओर, उन मंदिरों की ओर जहाँ पर छुपे हुए हैं प्राचीन इतिहास के तथ्य। तो दोस्तों आइए चलते हैं उस महल की ओर। चुके हैं भानगढ़ के एक बहुत ही सुंदर मंदिर में, जिसका नाम है गोपीनाथ जी का मंदिर। दोस्तों यह नागर शैली में बना हुआ एक भव्य मंदिर है। करण अर्जुन मूवी के गाने की शूटिंग भी इसी मंदिर में हुई थी। दोस्तों अब आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको दिखाने वाला हूं वह बहुत ही अद्भुत और सुंदर मंदिर। भानगढ़
भानगढ़ के इस विशाल मंदिर परिसर में हम पहुंच चुके हैं। यह है गोपीनाथ जी का मंदिर। एक बहुत ही सुंदर और नागर शैली में बना हुआ यह मंदिर है, जो कि भानगढ़ में इस उजड़े हुए वीरान स्थान पर भी एक चमकता हुआ सूर्य की तरह यह मंदिर यहां दिखाई देता है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। परंतु इसके अंदर भगवान विराजमान नहीं होने के कारण ऐसा भी हम कह सकते हैं कि यह मंदिर अभिशप्त मंदिरों की श्रेणी में आता है, जहां पर भगवान विराजमान नहीं होते। परंतु दोस्तों, भगवान ना होने के बावजूद भी यह अपनी स्थापत्य कला का एक विशेष उदाहरण है। इसको अंदर से जब निहारते हैं तो किस प्रकार की सूक्ष्म कलाकारियां इस मंदिर में देखने को मिलती है। आइए दोस्तों, मेरे साथ आप भी निहारिए इस उत्कृष्ट एवं अविश्वसनीय मंदिर को, जहाँ की कलाकृतियाँ मन मोहित करती हैं, जहाँ की कलाकृतियाँ मन को भाती हैं। तो दोस्तों देखिए यह गुंबद किस प्रकार का सुंदर यह गुंबद है। साथ में दोस्तों निहारिए इस मंदिर के गर्भगृह के इस मुख्य द्वार को, जहाँ पर बनी हुई है हमारे भारतीय देवी देवताओं की सूक्ष्म मूर्तियाँ। दोस्तों जहाँ पर सूक्ष्म मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देखिए दोस्तों शंख की जो स्थापत्य कला है, शंख के जो चित्र हैं, शंख की मूर्ति के जो बने हुए अवशेष हैं यहाँ देखने को मिल रहे हैं। साथ में दोस्तों देखिए ऊपर जो हमारी भारतीय इसमें मकानों पर बनाया जाता है, जो गणेश जी का मूर्ति है वो भी यहाँ विराजमान है। और साथ में दोस्तों देखिए ऊपर छोटी छोटी मूर्तियाँ, भगवानों देवी देवताओं की मूर्तियाँ इस मंदिर में विराजमान हैं। स्थित आपने गोपीनाथ जी का मंदिर अभी देखा है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उस महल के बिल्कुल नजदीक, जो कि भानगढ़ का महल कहलाता है। दोस्तों मेरी दाईं ओर एक मंदिर स्थित है, जो कि सोमेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम अब यहां पर जानेंगे कि भानगढ़ क्यों वीरान हुआ, किसने भानगढ़ को बसाया, क्यों यह स्थान प्रसिद्ध हुआ। भगवंत दास, जो कि आमेर का शासक हुआ करता था, उनके बेटे माधो सिंह के लिए भगवंत दास के द्वारा यह शहर बसाया गया था, क्योंकि उनका एक बेटा मान सिंह अकबर की सेना में सेवा में था और आमेर का शासक था। परंतु उसका दूसरा बेटा जो माधो सिंह था, उसके लिए भगवंत दास ने इस स्थान को चुना था। दोस्तों यह जो स्थान है, भव्य एक शहर हुआ करता था, जहां पर भव्य बाजार लगता था, जहां खुशहाली थी। ऐसा बताते हैं कि यहां के लोग इतने खुशहाल और इतने
ये कह सकते हैं कि भव्य लोग थे, जो कि उनका जो रहन सहन था उच्च स्तर का रहन सहन माना जाता है। परंतु दोस्तों इतिहास के पन्नों में ऐतिहासिक कहानियां दर्ज हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब यह महल बनना शुरू हुआ था तब की एक कहानी ऐसी बताते हैं कि इस क्षेत्र में यह पहले जंगल जैसा क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ एक साधु तपस्या किया करते थे जिनका नाम था बालूनाथ जी। बालूनाथ जी इस क्षेत्र में तपस्या करते थे। जब भगवान दास ने यहाँ इस महल का निर्माण करना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप इस महल का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन राजा एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस महल के निर्माण के दौरान, अगर इस महल के पूर्ण होने के बाद भी मेरी जो ये कुटिया है, मेरा जो ये तपस्या स्थल है, इस पर अगर इस महल की छाया आई तो आपके में बहुत विनाश होता है। तो राजा भगवंत दास के बाद माधो सिंह ने भी इस महल का निर्माण किया और इसको चार मंजिला महल बना दिया। परंतु कालांतर में जब उसके बाद के शासक जो आए, उन्होंने इस महल को और ऊंचा किया, 7 मंजिला महल इसको बना दिया। और घटना ऐसी घटी कि जब यह महल 7 मंजिला बन गया तो इसकी जो छाया है वो किसी भी रूप से उस जो बालूनाथ जी योगी था उसकी झोंपड़ी पर आ जाती है, उसकी कुटिया पर आ जाती है। और बालूनाथ जी जो महाराज थे, संत थे, उन्होंने इस राज्य को फिर स्थापित कर दिया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेरे वचन को आप लोगों ने तोड़ा है, मेरी कुटिया पे आपके महल की छाया आई है, उसी प्रकार से मैं इस राज्य के लोगों को और इस राजा को श्राप देता हूँ कि इस राज्य के किसी भी मकान पर आज के बाद छत नहीं होगी। और दोस्तों ऐसा प्रतीत भी होता है, यहाँ देखा भी है कि अभी जो बाजार मैंने दिखाया था वहाँ पर किसी भी बाजार की किसी भी दुकानों पर छतें नहीं थी। और जब हम किले पे जाएंगे तब भी हम देखेंगे क्या वास्तव में वहाँ पर छतें हैं या नहीं हैं। ऐसी एक बात ये जो आती है, ऐसा एक वाक्य आता है जो मैंने अभी आपको बताया, जो भानगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं यह जो कथा है भानगढ़ के वीरानता से, भानगढ़ के इस उजड़ेपन से, भानगढ़ की इन अरावलियों में स्थित सुंदर शहर के उजड़ने की गाथाओं से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं मुख्य उस महल की ओर और आपको दिखाते हैं यह सुंदर महल जो कभी 7 मंजिला हुआ करता था। प्रवेश करने के लिए हम चढ़ रहे हैं इस पहाड़ी को, बहुत ऊंची ये पहाड़ी है। यह जो रास्ता है पहाड़ी का, यह पक्के पत्थरों से सड़क नुमा बनाया गया है। ऊंचाई पर यह महल स्थित है। इस महल को देखने के लिए अब हम चढ़ते जा रहे हैं इस पथरीली मार्ग को और दोस्तों दिखाते हैं आपको किस प्रकार का यहाँ भूतों का जैसा वातावरण है, कैसी यह जगह भूतों का घर कहलाती है, क्या यहाँ वास्तु में भूत देखने को मिल सकते हैं। परंतु दोस्तों पहले यह चढ़ाई हमको चढ़नी पड़ेगी, बहुत ही ऊंची यह चढ़ाई है। पहुंच चुके हैं और महल के मुख्य द्वार के प्रवेश कर रहे हैं। यह जो मुख्य द्वार है विशाल एक द्वार है। अंदर प्रवेश करते ही सामान्यतः जो किलों के द्वार होते हैं उस प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है कि अंदर सैनिकों के लिए बैठने की जो व्यवस्था है जैसे किलों में पाई जाती है उस प्रकार की व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। साथ में दोस्तों निहारी जयपुर शैली में बनी हुई ये छतें, जहाँ पर पट्टियाँ नहीं पाई जाती, बिना पट्टियों के बिना सीसी डले हुए ये छतें, और वो भी गोल रूप में, कितनी मजबूत ये छतें बनाई गई थी। 400 साल बाद भी ये छतें आज अपनी उसी उत्तम अवस्था में हैं। महल के इस मुख्य द्वार को प्रवेश कर चुके हैं, अब हम चढ़ने वाले हैं। देखिए इस महल को,
कितना लंबा चौड़ा और ऊंचा यह महल है दोस्तों। निहारिए इस वीरान जंगलों में स्थित खूबसूरत भवन को जो कि माधो सिंह का महल हुआ करता था। निहारिए इस मुख्य महल को, आज यह जो महल दिखाई दे रहा है इससे भी कहीं ऊंचा यह महल हुआ करता था, परंतु इतिहास की उन गाथाओं से पता लगता है कि यह महल अब ढह चुका है, बहुत ही कम मंजिल इसमें बची हुई है। परंतु दोस्तों जितना बचा हुआ है देखने में कितना आकर्षक यह लग रहा है, हम निहार सकते हैं इस महल को। आइए दोस्तों दिखाता हूँ आपको मैं वह दृश्य जहाँ पर रानी रत्नावती पर मंत्रमुग्ध करने वाले सिंधु सेवड़ा नामक तांत्रिक का स्थान, जिसकी कुटिया बनी हुई है इस जो पहाड़ी है उसके बिल्कुल ऊपरी छोर पर। देखिए दोस्तों यही वह स्थान है उस तांत्रिक का जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। तो अभी आपको हमने दिखाया ये टूटे हुए पत्थर जो दास्ता को बया करते हैं। अब चलते हैं हम मुख्य महल के लिए और इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए प्रवेश करेंगे उस मुख्य महल में। सीढ़ियों को चढ़ते हुए पहुंच चुके हैं महल के मुख्य द्वार पर। मोहनदास के समय में माधो सिंह के लिए 1573 ईस्वी में किया गया था। एक बहुत ही सुंदर यह महल माधो सिंह के लिए बनाया गया था। तो अब इस महल को अंदर से निहारेंगे, देखेंगे इसकी बनावट को, देखेंगे इस महल की विशेषताओं को, किस प्रकार यहाँ पर पत्थरों से पक्की दीवारों का निर्माण किया गया है। बड़ी मोटी दीवारें यहाँ बनाई गई हैं, देखिए कितनी मोटी और विशाल दीवारें इस महल में स्थित हैं। साथ में दोस्तों देखिए उस समय की यह सफेदी, तो देखिए इस कमरे को। हालांकि यह कमरा पहले शायद रानियों के लिए निवास हुआ करता था, परंतु आज भेंट चढ़ चुका है चमगादड़ों का। किस प्रकार अंधेर गुप्त यह कमरा दिखाई दे रहा है। साथ में निहारिए इन मोटी मोटी दीवारों को, कितना मजबूती के साथ इस किले का निर्माण कार्य किया गया था। इसीलिए दोस्तों 400 वर्षों के उपरांत भी यह दुर्ग आज अपनी उत्तम अवस्था में हमको देखने को मिलता है। मोटी दीवारें और किस प्रकार की आमेर शैली की यह बनावट है दोस्तों। देखिए यह मोटी दीवार और साथ में निहारिए इस बरामदे को, जो लगभग कितना लंबा यह बरामदा बनाया गया था आवागमन के लिए। इस बरामदे का निर्माण किया गया था दोस्तों। साथ में ही यह जो 400 साल पुराना दुर्ग हो चुका है, हालांकि अभी कुछ इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी है, परंतु इतनी मजबूत दीवारें हैं कि अभी गिरने की अवस्था में नहीं है। साथ में ही दोस्तों निहारिए जो जयपुर की जो स्थापत्य कला है उसमें इस प्रकार के जो द्वार बनाए जाते थे इनको निहारिए, ये मंदिरों के जैसे द्वार उस समय बनाए जाते थे। आप एक विशेष जगह को देखिए, किस प्रकार की इसमें इस छत में भी कलाकारी की गई है दोस्तों। एक खंभा कितना मोटा है, इतने विशाल खंभे इस दुर्ग में बनाए गए हैं। कितना मजदूर, कितनी मेहनत और कितनी शक्ति इस कार्य में लगी होगी। यह अद्भुत निर्माण उस जमाने में किया गया था जिस जमाने में मशीनें नहीं हुआ करती थी। कारीगरों के द्वारा इतनी ऊंचाई पर ऐसा अद्भुत नज़ारा, ऐसा अद्भुत भवन निर्माण देखने को मिलता है। बहुत ही अद्भुत यहाँ मनोहरक दृश्य देखने को मिल रहा है। साथ में निहारिए इस विशाल चबूतरे को जो नीचे इस महल के स्थित है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस महल का ऊपरी छोर और देखते हैं वह क्या मिलता है हमें देखने को विशेष। महल में अद्भुत मन लग रहा है, पहली बार महल देखने का मौका मिला है। देखते हैं महल में किस प्रकार का अनुभव लिया करते थे राजा महाराजा। आइए दोस्तों मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको यह सुंदर महल। देखिए अद्भुत यह महल है। आइए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों अंदर विशाल कक्ष बना हुआ है, अंधेरा यहाँ कायम है क्योंकि दोस्तों लाइट की कोई व्यवस्था है नहीं। दोस्तों निहारिए इन विशाल दीवारों को, किस प्रकार की ये बनावट जयपुर शैली की, ये जो द्वार बने हुए हैं पूरे किले में यह शैली विशेष रूप से मुख्य शैली के रूप में है यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों। यह जो क्षेत्र है यह शायद राजा के सैनिकों के लिए व्यवस्था रही होगी,
अब अपन चलते हैं महल के ऊपरी छोर पर। दोस्तों महल में ऊपर चढ़ चुके हैं, देखते हैं यहाँ का कैसा दृश्य है। आइए दोस्तों दिखाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे ये कक्ष बने हुए हैं। प्रवेश करते हैं, आपको दिखाते हैं शाही कमरे जो कि संगमरमर के पत्थरों से बने हुए हैं, किस प्रकार के शाही कमरे हैं। परंतु दोस्तों अब इनकी ना ही तो छतें हैं, ना ही वह शाही रूप यहाँ विराजमान है, क्योंकि दोस्तों अब यह उजड़ चुके हैं। परंतु उस समय में कितने ये शाही भवन हुआ करते होंगे, आप देख सकते हो इन कक्षों को, इनकी बनावट को और इनमें लगे हुए पत्थरों को, कि ये अपनी शाही बनावट को दर्शाते हैं। दोस्तों यह छोटा सा एक कक्ष था, आगे आपको और शाही कक्ष में दिखाने वाला हूँ, जहाँ राजा के शाही लोग, राजा का परिवार रहा करता होगा। दोस्तों आइए मैं उन शाही कक्षों की ओर आपको दिखाता हूँ, किस प्रकार के ये शाही कक्षों के बाहर बने हुए पिंड हैं। ये देखो पिलर, किस प्रकार के ये पिलर हैं, उन पे भी सूक्ष्म कारीगरी की गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सूक्ष्म कारीगरी को निहारिए, यहाँ कमल के निशान भी, ये जो कमल भित्ति चित्र हैं वो भी बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे कितना बड़ा ये शाही जो रहने का स्थान था हुआ करता था। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न प्रकार के कक्ष बने हुए थे, यानी कि आधुनिक समय में जिस प्रकार की जॉइंट जो फैमिली रह सकती है, जिस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं, इनको देख करके ऐसा लगता है कि उसी प्रकार के ये कक्ष हुआ करते थे, जहाँ पर व्यवस्था शायद रही होगी लैट और बाथ की, जहाँ पर व्यवस्था रही होगी रसोई घर की। हर कक्ष के साथ छोटे छोटे कक्ष जुड़े हुए हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक समय के जो भवन बनाए जाते हैं वैसा ही शाही भवन यहाँ निर्मित किया गया होगा। परंतु दोस्तों इन शाही जो भवन हैं, कक्ष हैं, इनमें एक विशेष चीज देखने को मिलती है, वह है यहाँ संगमरमर के पत्थर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पास में ही झीरी नामक गांव से पर्याप्त मात्रा में इन पत्थरों की उपलब्धता होने के कारण शायद यहाँ के महाराजा ने उनको वहाँ से मंगवा करके इस भवन में लगवाया होगा। दोस्तों इन विशाल पत्थरों को देखिए, इन शाही जो कमरे हैं उनकी भी जो विध्वंस की कहानी है ये दे रहे हैं, किस प्रकार से विशाल पत्थर यहाँ गिरे हुए हैं, यानी कि ये पत्थर शायद हो सकता है कि इस भवन की छत में उपयोग में लिए जाते होंगे। परंतु उन गाथाओं की वजह से या उन विध्वंस की किन्हीं कहानियों की वजह से आज ये हमें देखने को मिल रहे हैं। यह जो दुर्ग है, यह जो महल है, 7 मंजिला महल होता तो किस प्रकार का अद्भुत दर्शनीय नज़ारा यहाँ देखने को मिलता, और यहाँ का नज़ारा देख करके हमारा मन, हमारा हृदय कितना प्रफुल्लित होता, हम कैसा एहसास इस स्थान पर करते, उसकी कल्पना शायद की जा सकती है। परंतु दोस्तों कह क्या सकते हैं, अब तो ये खंडर ही देखने के लिए हमें स्थान पर आना पड़ता है। चलिए दोस्तों आपको अभी हमने शाही भवन ये दिखाया है, शाही कमरे हमको दिखाए हैं, अब चलते हैं किले के उस दूसरी छोर पर, जहाँ पर भी अनेक कक्ष और कमरे बने हुए हैं, जहाँ पर भी कुछ अलग स्थान हमको देखने को मिलने वाले हैं, हालांकि वो सब खंडर हैं। परंतु चलते हैं उस दूसरे महल की तरफ, जहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं उस महल की ओर। दूसरे भवन में प्रवेश कर रहा हूँ, एक छोटा सकरा मार्ग है जिसको पार करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं उस दूसरे भवन की ओर। यहाँ निशानियाँ बया कर रही है इसके उजड़े वीरानता को, इसके उजड़े चमन को, कैसा चमन यह दुर्ग हुआ करता था। लेकिन निहारिए इन पत्थरों को, ये बया कर रहे हैं इस उजड़े हुए दुर्ग के बारे में। और दोस्तों निहारिए इन खंडरों को, ये बताते हैं कि कैसे भानगढ़ उजड़ गया, किस प्रकार आज ये भानगढ़ देखने को मिल रहा है। कहते हैं दोस्तों उजड़ों का तो भगवान भी ना होता, ये उजड़े हुए स्थान हैं जहाँ पर भूतों का वास, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों कुछ भी कहो, परंतु यह स्थान वीरानता को अपने अंदर समाहित तो करे हुए है। यहाँ आने के बाद मन में एक भय तो आंशिक रूप से उठ ही जाता है कि यह वीरानताएं किस प्रकार से मन को खदेड़ती हैं, मन को इस प्रकार से उधेड़ती हैं कि यहाँ की कथाओं के बारे में जानने के लिए मन उज्ज्वलित हो ही जाता है। दोस्तों ये खंडर, ये पत्थर की निशानियाँ
इस भानगढ़ दुर्ग की विध्वंसता को बताती है। चलिए दोस्तों, मैं एक कमरा हमें दिखाई दे रहा है, इस कमरे का दर्शन आपको करवाता हूँ। कैसा ये कमरा होगा, मैं इस कमरे में प्रवेश कर चुका हूँ। एक अद्भुत नज़ारा इस कमरे में देखने को मिल रहा है। इसकी जो ऊपर की छतें हैं, एक विशेष रंग रंगों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। दोस्तों, विशेष कलाकृतियाँ इस छत में बनी हुई है। यह विशाल लंबा चौड़ा कक्ष है जहाँ पर शायद साई लोग निवास करते होंगे, और एक अद्भुत कक्ष लगा, बड़ा मनमोहक एक कक्ष लगा। यह कक्ष इस दुर्ग की उत्कृष्टता को व्यक्त करता है। दोस्तों, आइए चलते हैं। इस जो पैलेस है, यह जो भानगढ़ का महल है, इसके सबसे ऊपरी छत पर, और देखते हैं वहाँ से कैसा दृश्य हमको देखने को मिलता है। अब मैं चढ़ रहा हूँ इस महल के सबसे ऊपरी छोर पर। इस महल की सबसे ऊपर जो मंजिल है, वहाँ पर इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए मैं पहुँच चुका हूँ। दोस्तों, देखिए यहाँ से इस भानगढ़ का अद्भुत नज़ारा। निहारिए इस भानगढ़ परिक्षेत्र को, जो कि एक राज्य हुआ करता था, आमेर के शासकों का, माधो सिंह का यह राज्य क्षेत्र कहलाता था। इस क्षेत्र के वीरान होने की कई कहानियाँ प्रचलित हैं, परंतु एक कहानी मैंने अभी आपको बताई थी कि कुछ ऐसे तथ्यात्मक चीज़ें हुई है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है उस कालक्रम में, जब यह भानगढ़ अपनी खुशहाली, शांति और अपनी उन्नति के लिए जाना जाता था। वह भानगढ़ जो अरावली की गोदियों में बैठा हुआ एक मोती जैसा लगता था, वह भानगढ़ जहाँ की प्रजा इतनी खुशहाल थी, इतनी उन्नति लिए हुए थी, जिसका लोहा आसपास के राज्यों के लोग भी मानते थे। परंतु ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ जिससे यह भानगढ़ उजड़ गया? बात हमें बताई जाती है, या हम सुनते हैं, कि इस राज्य की एक रानी हुआ करती थी, राजकुमारी हुआ करती थी, जिसका नाम था रत्नावती। वह इतनी सुंदर और आकर्षक हुआ करती थी। कभी कभार ऐसा होता है, जैसा कि हम कहते हैं कि घर का वेदी लंका ढाई, यानी कि अनेक राज्यों के राजा विचलित अवश्य थे, परंतु जो घटना घटित हुई वह इसी राज्य के व्यक्ति ने घटित कर दी। एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा, जो कि एक तांत्रिक था। मेरे पीछे आपको एक पहाड़ी पर एक छोटा सा गुमती नुमा एक स्थान दिखाई दे रहा होगा, जहां निवास करता था वह भयानक तांत्रिक। जब रानी रत्नावती इस महल से निकल करके, जो मैंने अभी आपको जौहरी बाजार दिखाया था, दोस्तों एक जौहरी बाजार जयपुर में भी स्थित है, परंतु उस समय यहाँ एक उन्नत बाजार लगा करता था, जिसी की तर्ज पर जयपुर का जौहरी बाजार बना है। उस जौहरी बाजार में सिंधु सेवड़ा, वह तांत्रिक भी वहाँ स्थित होता है। उसकी नज़र जब रत्नावती पर पड़ती है, तो वह मन ही मन उसको पाने की अभिलिप्सा अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, उसे पाने की चाह अपने अंदर रख लेता है। अब उसे किस प्रकार पाया जाए, इसकी वह उस मन घड़ंत चीज़ों में लग जाता है, यानी कि वह अपने अंदर कुछ ऐसी कहानियां गढ़ने लगता है कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से रानी को पालूं। इसी घटनाक्रम में वह तांत्रिक तो था ही, एक बार जब रानी वह सुगंधित तेल खरीदने के लिए बाजार में जाती है, तो उस तांत्रिक ने उस सुगंधित तेल पर जो वशीकरण मंत्र है, जिसे हम कहते हैं कि लोग उस वशीकरण मंत्र से अपने बस में हो जाते हैं, ऐसा एक मंत्र मुग्ध उस तेल को कर दिया। परंतु जब रानी महल में आती है, तो उसके किसी विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा सिंधु सेवड़ा नामक तांत्रिक ने उस तेल पर अपनी जो मंत्र जाप है, तांत्रिक विद्या है, वो कर दी है। तो रानी गुस्से में आकर के उस तेल को एक विशाल चट्टान पर दे मारती है। दोस्तों, एक मंत्र मुग्ध तेल जब उस विशाल चट्टान पर पड़ता है, तो स्वाभाविक है, जैसे रानी
उस तांत्रिक की तरफ खींची हुई जा सकती थी, वैसे ही वह विशाल पत्थर भी उस तांत्रिक की ओर खींचा हुआ चल देता है। जब तांत्रिक को पता लगता है कि ऐसी घटना घटित हो गई तो तांत्रिक अपने स्थान से भागना शुरू करता है और पत्थर उसके पीछे पीछे होता है। जब तांत्रिक को लगता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है तो वह इस क्षेत्र को स्थापित कर देता है, अपनी तंत्र विद्या से एक ऐसा जाल यहाँ फैला देता है जिसकी वजह से यहाँ के लोग कभी भी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते, यानी कि यहाँ के लोग यहीं मर जाएंगे, उजड़ जाएंगे, परंतु उनकी जो आत्माएं हैं उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। क्योंकि उसने सिंधु नामक तांत्रिक ने कहा था कि जिस प्रकार से मैं मेरी आत्मा यहाँ अब इस रानी रत्नावती के प्रेम के लिए विचलित रहेगी, उसी प्रकार मैं इस राज्य को श्राप देता हूँ, तंत्र विद्या से मैं इस प्रकार का बनाता हूँ कि यहाँ के इस परिक्षेत्र से कोई भी आत्माएं कभी भी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती। दोस्तों, इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है भूतों का घर, क्योंकि उस समय की आत्माएं भी यहाँ आज इस क्षेत्र में विराजमान है, या ये कहें कि यहाँ निवास करती है, यहाँ रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों, रात को वो हमारी तरह ही यहाँ घर बसाती है और रात को यहाँ लगता है जौहरी बाजार। तो दोस्तों, यह भानगढ़ का एक अनसुना अनकहा तथ्य है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, इस महल की सबसे ऊपरी जो छोर है उस पर मैं स्थित हूँ। इस भानगढ़ दुर्ग के बारे में दो चार जो बातें हैं, कहावतें हैं, वह हमने जानी। हमने यहाँ आकर के जाना कि यह भानगढ़ एक विशाल क्षेत्र होता था, लेकिन दो कारणों से यह भानगढ़ उजड़ गया, ऐसा हमने जाना है। दोस्तों, बताते हैं कि यह भानगढ़ एक सिंधु सेवड़ा नामक तांत्रिक की अभिशाप की वजह से भी उजड़ा है। दूसरा, ऐसा बताते हैं कि यहाँ के एक तपस्वी संत बालूनाथ योगी के अभिशाप से यह भानगढ़ उजड़ा है। परंतु दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि एक ही दिन में पूरा भानगढ़ उजड़ गया, लेकिन ये जो बातें हैं शायद तथ्यात्मक नहीं लगती। परंतु एक घटना ऐसा सुनने में आया, एक घटना ऐसी पता लगी कि शायद वह सिद्ध करती है कि यह भानगढ़ उसकी वजह से उजड़ा होगा। दोस्तों, भानगढ़ के नज़दीक एक राज्य पाया जाता था उस जमाने में, जिसका नाम था अजबगढ़। वहाँ का शासक हुआ करता था अजब सिंह, और इस जो भानगढ़ है यहाँ का शासक माधो सिंह का वंशज, यानी कि ऐसा बताते हैं कि अतर सिंह नाम का व्यक्ति हुआ करता था। यह ज्ञात नहीं है कि अतर सिंह था या कोई और था, परंतु यहाँ का माधो सिंह का वंशज यहाँ का शासक था। ऐसा बताते हैं रानी रत्नावती एवं अनेक आपसी द्वेषता के कारण अजबगढ़ और भानगढ़ दोनों राज्यों के मध्य हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, यानी कि उनके अंदर विरोधाभास बना हुआ रहता था। दोस्तों, जब भानगढ़ का शासन कुछ कमज़ोर हुआ तो अजब सिंह ने मौका पाकर के इस राज्य पर आक्रमण कर दिया, और ऐसा बताते हैं कि इस भानगढ़ को अजब सिंह ने कुछ ही दिनों में तहस नहस कर दिया। ऐसा भी कहते हैं कि इस भानगढ़ में उस अजब सिंह ने एक भी व्यक्ति, एक भी बालक और एक भी महिला को जिंदा नहीं छोड़ा था, यानी कि संपूर्ण रूप से इस भानगढ़ को तहस नहस अजब सिंह ने कर दिया था। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि अजब सिंह ने इस भानगढ़ को तहस नहस करके और खंडर बना दिया था। ऐसा भी बताते हैं कि शायद अजब सिंह ने इस भानगढ़ को तहस नहस किया हो, लेकिन जो सिंधु सेवड़ा का जो यहाँ अभिशाप लगा हुआ था, उस अभिशाप की वजह से वो जो लोग मारे गए उनकी आत्माएं इस क्षेत्र से निकल नहीं पाई और यहीं पर निवास करती रहती है। इसीलिए इस क्षेत्र को भूतों का घर, भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि सायं के बाद और सुबह 6 बजे से पहले यहाँ प्रवेश निषेध होता है, क्योंकि उस समय यहाँ भूतों का अत्यधिक मात्रा में निवास पाया जाता है। अभी हमने आपको भानगढ़ का यह खूबसूरत महल दिखाया, अब आपको हम भानगढ़ में एक विशेष स्थान दिखाते हैं जो कि जाना जाता है, जो कि इस भानगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है, और ऐसा भी कहें कि इस पूरे क्षेत्र के आसपास यही एक स्थान है जहां यह जो जिस नाम से जाना जाता है वो वृक्ष यहां पाए जाते हैं, केवड़ा नाम के वृक्ष
केवल भानगढ़ के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि केवड़ों के वृक्षों के नीचे सांप निवास करते हैं। वो विशाल केवड़ों का बाग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यह विचित्र पौधा भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे दाईं ओर केवड़ों के ये छोटे छोटे और विशाल वृक्ष जो कांटेदार पत्तियों में समाहित हैं, ऐसा अद्भुत वृक्ष है। देखने में ही इसकी जो डालियां हैं अजगर जैसी दिखाई देती हैं। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि केवड़ों के जो वृक्ष होते हैं उनके आसपास सांप अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, आइए आपको विशाल ये केवड़ों का जो बाग है वो हम दिखाने वाले हैं। देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और निहारते भी रहिए साथ में ही इस भानगढ़ के दुर्ग को। दोस्तों, यह जो भानगढ़ का दुर्ग है विशाल आपको दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे ये केवड़ों का विशाल बाग स्थित है। दोस्तों, इन्हीं केवड़ों के बागों के मध्य स्थित है भैरव बाबा का एक मंदिर जो आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, देखिए इन बगीचों के मध्य में किस प्रकार से एक छोटा सा चबूतरे पर बना हुआ भैरव नाथ जी का मंदिर है, जहाँ अनेक क्षेत्रों के लोग दर्शन के लिए इस स्थान पर आते हैं और यहाँ अपनी मनोकामनाएं मांग करके जाते हैं।